इस वीडियो में हम मम विद्यालय पर संस्कृत भाषा में निबंध देखेंगे। मम विद्यालयस्य भवनम विशालम सुंदरम च अस्ति। मेरे विद्यालय का भवन विशाल सुंदर च यानी और अस्ति यानी है। मम विद्यालये बहवः छात्राः पठन्ति। मेरे विद्यालय में विद्यालय यानी विद्यालय में बहवः बहुत छात्राः छात्र पढ़ते हैं। अध्यापकाः छात्राण परिश्रमेण पाठयन्ति। अध्यापक छात्रों को मेहनत से परिश्रम से परिश्रमेण यानी परिश्रम से पढ़ाते हैं। मम विद्यालये पुस्तकालयस्य अस्ति। मेरे विद्यालय में पुस्तकालय है। यत्र यानी यहाँ छात्राः पुस्तकानि पठन्ति। यहाँ छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। पुस्तकालय में यहाँ पे यत्र का प्रयोग किया गया पुस्तकालय के लिए। यहाँ पे यत्र का जो प्रयोग किया गया पुस्तकालय के लिए यानी पुस्तकालय में छात्र। मम विद्यालय की क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। मेरे विद्यालय में क्रीडा क्षेत्र यानी कि ग्राउंड ग्राउंड है। अस्ति यत्र ते पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। वे लोग यहाँ बॉल्स फुटबॉल से जब हम बोलते हैं कंदुकेन कंदुकेन यानी होता है बॉल और पाद कंदुकेन यानी होता है कि फुटबॉल। तो मम विद्यालय मेरे विद्यालय में क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। क्रीडा क्षेत्र है। यत्र ते पाद कंदुकेन क्रीडन्ति। यहाँ वे पाद कंदुकेन यानी कि फुटबॉल से खेलते हैं। तरण ताल अपि अस्ति यानी कि स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल को संस्कृत में बोलते हैं तरण ताल। इसका प्रयोग आप हिंदी भाषा में भी कर सकते हैं तरण ताल। विद्यालय विद्यालय में एक तरण ताल स्विमिंग पूल अपि यानी भी अस्ति है। मेरे विद्यालय में एक स्विमिंग पूल भी है। विद्यालयम परिता वृक्षाः शोभन्ते। विद्यालय के चारों ओर वृक्षाः अच्छे लगते हैं। वृक्षाः वृक्ष का बहुवचन है मतलब एक से ज़्यादा वृक्ष दो से ज़्यादा वृक्ष अच्छे लगते हैं। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करके इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। मम विद्यालयस्य भवनम विशालम सुंदरम च अस्ति। मेरे विद्यालय का भवन सुंदर बड़ा और विशाल है। मम विद्यालये बहवः छात्राः पठन्ति। मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। अध्यापकाः छात्राण परिश्रमेण पाठयन्ति। अध्यापक छात्रों को परिश्रम से पढ़ाते हैं। मम विद्यालये अस्ति यत्र छात्राः पुस्तकानि पठन्ति। मेरे विद्यालय में पुस्तकालय यहाँ यानी कि पुस्तकालय में छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। मम विद्यालय की क्रीडा क्षेत्रम अस्ति यत्र ते पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। मेरे विद्यालय में ग्राउंड है और वहाँ पे लोग फुटबॉल से खेलते हैं। विद्यालय एक तरण तला ताला अभी अस्ति। मेरे विद्यालय में एक स्विमिंग पूल भी है। विद्यालयम परिता वृक्षाः शोभन्ते। विद्यालय के चारों ओर परिता यानी चारों ओर यहाँ पे हमेशा परिता योगे द्वितीया इसके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यालयस्य की जगह यहाँ लिखा हुआ है विद्यालयम। विद्यालयम परिता विद्यालय के चारों तरफ चलिए एक बार क्विक रिवीजन करके इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। मम विद्यालयस्य भवनम विशालम सुंदरम च अस्ति। मेरे विद्यालय का भवन सुंदर बड़ा और विशाल है। मम विद्यालये बहवः छात्राः पठन्ति। मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। अध्यापकाः छात्राण परिश्रमेण पाठयन्ति। अध्यापक छात्रों को परिश्रम से पढ़ाते हैं। मम विद्यालये अस्ति यत्र छात्राः पुस्तकानि पठन्ति। मेरे विद्यालय में पुस्तकालय यहाँ यानी कि पुस्तकालय में छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। मम विद्यालय की क्रीडा क्षेत्रम अस्ति यत्र ते पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। मेरे विद्यालय में ग्राउंड है और वहाँ पे लोग फुटबॉल से खेलते हैं। विद्यालय एक तरण तला ताल अपि अस्ति। मेरे विद्यालय में एक स्विमिंग पूल भी है। विद्यालयम परिता वृक्षाः शोभन्ते। विद्यालय के चारों ओर परिता यानी चारों ओर
यहाँ पे हमेशा परिता योगे द्वितीया, इसके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यालयस्य की जगह यहाँ लिखा हुआ है विद्यालयम, विद्यालयम परिता, विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष हैं।